morning everyone, I am Shruti Bilore and today I am going to teach chapter 10, 10 and 100 of class 5. This chapter is from NCERT. Okay, so dear students, as we know, जब भी हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं या कुछ भी हम नया पढ़ते हैं तो बेसिकली एज अ ह्यूमन टेंडेंसी है ना, एक ह्यूमन नेचर के कारण हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें, राइट? व्हाई, व्हाई शुड आई या व्हाई शुड यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर और टू स्टडी दिस चैप्टर, ठीक है? क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन का सवाल जवाब मैं आज आपको देती हूँ. 10 और 100 चैप्टर पढ़ने का सबसे बेसिक रीजन है हमको मेजरमेंट सीखना है, ठीक है? हम मेजरमेंट सीखते हैं इस चैप्टर से कि हम किसी भी चीज को मेजर कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज को नाप कैसे सकते हैं, किसी भी चीज को तौल कैसे सकते हैं, है ना? हम बिना किसी चीज को तोलेंगे नापे तो हम मार्केट से ला भी नहीं सकते. तो किसी भी चीज को नापने या तोलने के लिए, किसी भी चीज की मेजरमेंट करने के लिए हम पढ़ते हैं 10th और 100 चैप्टर को, ठीक है? आई थिंक इतना क्लियर होगा. चलिए, तो अब हमको ये तो पता चल गया कि हमको मेजरमेंट करना है, तो अब हम मेजरमेंट करेंगे कैसे? तो मेजरमेंट करने के लिए हमको कुछ यूनिट्स चाहिए. अच्छा चलिए, ये भी छोड़िए, ये बताइए मेजरमेंट करना किस चीज का है, किस चीज को नापेंगे हम? सॉलिड, ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज होगी तो या तो वो सॉलिड होगी या तो वो लिक्विड होगी या तो वो गैस होगी, राइट? या तो वो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी, या हम टाइम को भी तो कैलकुलेट करते हैं, टाइम भी तो हमको देखना पड़ता है. तो यस, तो ऑब्वियसली बात ये थी, मैं सॉलिड की बात करूँ तो हम शॉप पे जाते हैं, शक्कर लेते हैं, ठीक है, आटा भी लेते हैं, राइस लेते हैं, दाल लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं, तो इन सब चीजों को मेजरमेंट करना है. तो आप दुकान पर जाके क्या बोलोगे, हमें शक्कर दे दो, बोलोगे? तो कैसे बोलोगे, बोलोगे तो कैसे देंगे? तो उसके मेजरमेंट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यूनिट्स पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? यूनिट्स पता होना चाहिए. यदि मुझे शक्कर खरीदना है तो वो मैं केजी में खरीदूंगी, राइट? और यदि मैं तेल खरीदूंगी जो कि लिक्विड होता है तो वो मैं लीटर में खरीदूंगी, है ना? तेल को मैं किलोमीटर में नहीं खरीद सकती हूँ, राइट? तेल को मैं हमेशा काय में खरीदूंगी, लिक्विड में खरीदूंगी. कभी सुना है दुकान में जाके किसी ने बोला 1 किलोमीटर तेल दे दो? नहीं. तो क्या होता है, हमको हर चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट दे दी गई है, राइट? तो यूनिट्स में अगर मैं बात करूं तो केजी मतलब किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये जो तीनों चीजें हैं इनसे हम मेजर करते हैं सॉलिड चीजों को. फॉर एग्जाम्पल, राइस, वीट, दाल. नाउ अगर मैं बात करूं लिक्विड में तो लीटर और मिलीलीटर. तो लीटर और मिलीलीटर में किसके लिए यूज करूंगी? लिक्विड के लिए यूज करूंगी जो कि होता है ऑयल, वाटर और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होंगी. फिर अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं जम्मू कश्मीर जा रही हूँ, मैं अपने गांव जा रही हूँ, तो मैं क्या मेजर करूंगी, किलोमीटर में या मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, या फिर क्या करूंगी, सेंटीमीटर में करूंगी. एम आई राइट? आई थिंक इतना क्लियर होगा. अब बात करते हैं टाइम की, और क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं तो टाइम देखना आता होगा. तो टाइम हम क्या मेजर करते हैं, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा. ये आज की इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें बेसिक चीज मैंने बताई कि इस चैप्टर को हमको पढ़ना क्यों है. हमको मेजरमेंट के लिए पढ़ना है. अब मेजरमेंट जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी. लाइक डेसिमल्स हम पढ़ेंगे, फिर डेसिमल्स के बाद हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन टू डेसिमल का कन्वर्जन, डेसिमल टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. हम कल मिलेंगे और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. बाय, टेक केयर.